बातें फिल्मी लाइफ पे, तो जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप डायरेक्टर की बात की तो सिर्फ एक मंजुल ठाकुर हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री टेलीविजन पे टॉप 5 फिल्मों की बात की तो उसमें ज़्यादातर फिल्में मंजुल ठाकुर की होती है। सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली फिल्म आपके नाम है, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म आपके नाम है। मैं जानना चाहती हूँ कि मंजुल ठाकुर की लाइफ की पहली वो फिल्म एज अ डायरेक्टर कौन सी थी, कैसे मिली होती, वो कहानी। मैं छत्तीसगढ़ में कॉलेज में था और हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे जिस हॉस्टल में रहता था उसमें रहते थे संजय जैन, जो मेरे दोस्त, हम लोग साथ में ही रहते थे। तो हम लोग एसएससी का एक कर्मचारी चयन आयोग, उसके एग्ज़ाम के लिए मैं ये अपना ट्यूशन वगैरह चलता है उसमें गया था मैं। तो वहाँ पे एक पेपर में एक न्यूज़ छपी थी कि पनाह दुलारा आग हद कर दिया आपने जैसी हिंदी फिल्मों को, जो गोविंदा जी के साथ थी, उस फिल्म के राइटर सतीश जैन वो फिल्म बनाने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने आ रहे थे। उन फिल्मों के राइटर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्म उन्होंने एज ए राइटर की थी। जो सतीश जैन जी आप जान रहे हैं अपने भोजपुरी में, उन्होंने काफ़ी बहुत सारी फिल्में की हैं। तो वो जो मेरे साथ दोस्त था संजय जैन और सतीश जैन, संजय जैन उनके भतीजे, वो बोले ये मेरे चाचा हैं। अब बचपन से मेरे साथ ऐसा था कि वो बताऊंगा अभी, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन ऐसा कोई लिंक नहीं था। ये पहला लिंक मुझे मिला कॉलेज में, जब हम लोग क्लासेस में थे अपने, उसने बताया कि पेपर पढ़ रहे थे, टीचर का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें ये छपा था। तो उसने बोला और मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं बोला यार तेरे चाचा हैं और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। उसको एक हफ्ते मैंने मोटिवेट किया, एक हफ्ते के बाद वो माना और मुझे अपनी बाइक से भिलाई लेके गया रायपुर से। जब वहाँ पे गए हम लोग तो उन्होंने नीचे से ऊपर देखा और देखने के बाद बोले कि आप लोग कल आ जाओ, चूँकि वो भतीजा था तो हमारी मेरी जैक लग गई। अब उन्होंने मुझे करना था उनको असिस्ट और उन्होंने मुझे बना दिया एक्टर। तो एक्टर में उन्होंने हीरो के दोस्त का रोल किया, वहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई। वो मैं एज एन एक्टर पहली फिल्म मोर छैया भुइयां, जो जब लगान रिलीज़ हुई थी उस वक्त मोर छैया भुइयां सतीश जी की फिल्म रिलीज़ हुई थी और लगान को टक्कर दी थी वो फिल्म। क्या बात है। और उसके बाद वहाँ से फिल्मी दौर शुरू हुआ। फिर मैं नेक्स्ट उनकी फिल्म असिस्ट किया, फिर उनके साथ मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मैंने, वो सतीश जी ने मुझे लगाया, एक डायरेक्टर हैं हैरी फर्नांडिस जी, उनकी एक हिंदी फिल्म थी मनीषा कोराला जी के साथ, तो अनजाने दी अननोन, उस फिल्म को मैंने असिस्ट किया। काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। अब उसमें मनीषा कोराला जी, हेलन जी थी, जिनको हम ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में देखा करते थे, ये मेरे लिए सपने जैसा था। उसके बाद मैंने उसी फिल्म में एक आर्टिस्ट हैं जिनका आप लोग, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, मुश्ताक खान जी। मुश्ताक खान जी एक ऐसी वजह है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, जिनकी वजह से मैं मुंबई आया और मेरे को फिल्मी कीड़ा लगा एक्चुअली। तो वो ऐसे लगा कि मैं अपने गांव में, मैं गांव का ही पढ़ा लिखा हूँ, 12th तक मैंने गांव में ही किया है। मेरा गांव नेशनल पार्क है मेरे गांव में। तो वहाँ पे जब मैं 5th क्लास में था तो शाम को 10 मिनट की छुट्टी हुआ करती थी, तो हम लोग सब इधर उधर मैदान में खेल रहे थे। तभी मैंने देखा कि हमारे गांव के चौराहे की तरफ, मतलब जहाँ थोड़ा सा मार्केट दुकानें हैं, वहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं, मैं भी भाग के गया। तो वहाँ पे सब लोग, उस समय रील वाला कैमरा होता था, स्टील कैमरा, उससे फ़ोटो खिंचा रहे थे सब लोग खड़े होके। तो वो मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो बोले ये फिल्मों में काम करते हैं और इनके साथ सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तब मैं उनके पास नहीं गया, फ़ोटो नहीं खिंचाया, और उसी वक्त सोचा मैं कि मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। स्कूल टाइम में 5th क्लास। उसके बाद ये बात चूँकि गांव में थे तो दबी की दबी रह गई। थोड़ा बहुत जो दुर्गा जी वगैरह स्थापना होती है तो उसमें जो
प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम अपना पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बहुत शर्मिले होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब हॉस्टल में आए और हॉस्टल में जो रैगिंग वगैरह हुई सब हुई, तो हम थोड़ा खुले, कॉलेज में आने के बाद थोड़ा बाहर आए, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा ये हुआ। फिर फिल्म इंडस्ट्री इसमें सतीश जी के साथ हमने काम कर लिया, मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद यहाँ पे जब मैं हिंदी फिल्म, उसके बाद एक जमानत फिल्म की अमिताभ बच्चन जी, करिश्मा कपूर, अरशद वारसी, बॉलीवुड की फिल्मों के हिस्सा रहे। नहीं, काफ़ी नहीं, मैंने ज़्यादा फिल्में असिस्ट नहीं की एक्चुअल में। मैं फिल्म में असिस्ट करने में 3 से 4 फिल्म मैंने असिस्ट की। उसके बाद मैंने अपने नीरज पांडे जी को भी मैंने असिस्ट किया, जब वो जी टीवी के लिए 1.5 घंटे की कोई एक फिल्म बना रहे थे, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। और उसके बाद मुझे, चूँकि मैं कॉलेज वगैरह करके आया था और सब प्रकाश मेहरा जी के यहाँ इधर उधर सब बहुत संघर्ष किया था मैंने भी, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन वहाँ पे मैं ना देखता था कि बहुत एजेड लोग बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ असिस्ट कर रहे हैं अभी भी, तो वो सीख नहीं रहे। सीखे हुए बहुत लोग बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं मिल पाता है। जो एक संघर्ष है लाइफ में, बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, जो जिनको ब्रेक नहीं मिल पाता है। तो मैंने देखा कि बाल पक चुके हैं और ये अभी भी असिस्ट कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और कुछ DOP के असिस्टेंट थे, वो लोग भी मुझे डराते थे, तू क्यों आ गया मुंबई, तू ऐसी पेपर बांटेगा, ये करेगा, वो करेगा, असिस्टेंट ही रहेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी और मुझे जल्दी डायरेक्टर बनना था, चाहे कैसे भी बनूं। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ रीजनल ट्राई किया जाए, और रीजनल एक फिल्म भोजपुरी थी, लेकिन भोजपुरी में मेरा पहला ब्रेक नहीं है। मैं चूँकि छत्तीसगढ़ से था, छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्त हैं वहाँ के जो सुपरस्टार हैं, अनुज शर्मा, प्रकाश अवस्थी, इन लोग एक फिल्म बना रहे थे और इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे डायरेक्टर बनाया। इन लोगों बोले कि स्क्रिप्ट रेडी है, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, एक असिस्टेंट को लेके और एक मेकअप मैन को लेके आ जा। मैं डेट रख दिया, मैं 2-3 महीने से टाल रहा था कि यार मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मेरे अभी मैं हूँ नहीं, मुझे सीखना है। बोले अबे तू आ, और उन लोगों ने डेट रख दिया और टिकट बना दिया। मैं मजबूरी में गया कि दोस्त लोग हैं, करना है। और फिर वो उस फिल्म को करते करते मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ।